CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम नन्हा खरगोश का बच्चा। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। एक था नन्ना सा खरगोश का बच्चा। वो सारे दिन खूब दौड़ लगाता, सारे जंगल में इधर से उधर और उधर से इधर, कुतर कुतर कर हरी हरी घास खाता, घास खाकर खूब खुश होता। एक दिन वो नन्ना खरगोश अपने बिल से बाहर निकला तो देखा बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतने अच्छे मौसम में उसका मन कहीं घूमने के लिए करने लगा। उसने सोचा क्यों ना आज शहर घूमाऊं। घोड़े दादा, ऊंट दादा, बैल दादा, हाथी दादा, सभी से वो शहर की बड़ी बड़ी बातें सुना करता था। बस फिर क्या था, वो चल पड़ा शहर की सैर करने। एक नन्ना खरगोश का बच्चा शहर घूमने निकल पड़ा। उछल उछल कर बढ़ा चला, शहर की ओर बढ़ा चला। कुछ आगे चलने पर उसको मिला घोड़ा। उस नन्हे खरगोश ने घोड़े से कहा, घोड़े दादा, मुझको शहर घुमा दो दादा। घोड़ा हिनहिनाया और बोला, देखते नहीं, मैं अभी अभी घोड़ा गाड़ी खींच कर आया हूँ, थका हुआ हूँ। मैं अभी दाना खाऊंगा और करूंगा आराम। फिर नन्हा खरगोश का बच्चा शहर घूमने निकल पड़ा। उछल उछल कर बढ़ा चला, वो शहर की ओर बढ़ा चला। तभी उसे दिखलाई पड़ा एक ऊंट। अपनी लंबी लंबी टांगों को मोड़कर और गर्दन को जमीन पर टिकाकर आराम कर रहा था। नन्ना खरगोश ऊंट से बोला, ऊंट दादा, मुझको शहर घुमा दो दादा। ये सुनकर ऊंट अपनी लंबी गर्दन हिला हिला कर बोला, नहीं, अभी थका हूँ भाई, तुम किसी और को ढूंढो। देखते नहीं, अभी अभी ऊंट गाड़ी में सवारी ढोकर वापस आया हूँ। नहीं। फिर नन्हा खरगोश का बच्चा शहर घूमने
पड़ा। उछल उछल कर बढ़ा चला वो शहर की ओर बढ़ा चला। आगे चलने पर नन्हे खरगोश को दिखाई पड़ा एक गधा। खरगोश झटपट गधे को सलामी देते हुए बोला, गधे राम, राम राम, तुम्हें सलाम। ये सुनकर गधा बड़ा खुश हो गया। गधा खरगोश से बोला, भाई खरगोश, तुम्हें मुझसे क्या काम है? खरगोश बोला, गधे दादा, मुझको शहर घुमा दो दादा। गधा बोला, ठीक है, चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। नन्ना खरगोश उछलकर गधे की पीठ पर बैठ गया। गधा खरगोश को पीठ पर बिठाकर आगे चला। उस दिन मौसम बड़ा अच्छा था बच्चों। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा में गधे का गाने का मन करने लगा। वो खरगोश से बोला, नन्हे खरगोश, मुझे तो आप गाना गाने और लोट लगाने की इच्छा हो रही है। अब तो मैं नहीं लोट लोट कर गाना गाऊंगा। तो बच्चों वो गधा वहीं लोट लोट कर गाने लगा। नन्ना खरगोश तो झटपट गधे की पीठ से उतर पड़ा। और फिर नन्हा खरगोश का बच्चा शहर घूमने निकल पड़ा। उछल उछल कर बढ़ा चला वो शहर की ओर बढ़ा चला। चलते चलते खरगोश को मिला एक हाथी। भारी भरकम धमक 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 करके चलता हुआ अपनी सूंड में वो लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लिए आ रहा था। नन्हे खरगोश ने झटपट हाथी को प्रणाम करते हुए कहा, पाँव लागी हाथी दादा, पाँव लागी। ये सुनकर तो हाथी दादा बहुत खुश हो गए। बोले, कहो भाई नन्हे खरगोश किधर चले? खरगोश बोला, हाथी दादा मुझको शहर घुमा दो दादा। हाथी बोला, मैं लकड़ियों का इतना भारी गट्ठर लेकर आ रहा हूँ अभी। अभी तो एक मिनट सांस तक नहीं ली। खैर चलो कुछ दूर तक तुम्हें पहुंचा दूं। और फिर हाथी ने अपनी सूंड से खरगोश को उठा लिया और सूंड में ही उठाए उठाए आगे बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर सड़क दिखाई देने लगी। हाथी ने खरगोश को सूंड से उतारा और कहा, वो देखो उसी सड़क सड़क बढ़ जाओ।
फिर नन्हा खरगोश का बच्चा शहर घूमने निकल पड़ा। उछल उछल कर बढ़ा चला वो शहर की ओर बढ़ा चला। सड़क सड़क कुछ दूर चलने के बाद उसे दिखाई देने लगी शहर की झलक। चौड़ी चौड़ी सड़कें, पां पां करती मोटर गाड़ी, ट्रिन 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 करते रिक्शे और साइकिलें, चलते हुए आदमी। नन्ना खरगोश सोचने लगा, इससे तो अच्छा मेरा घर है, वहां कितनी शांति है, कितना सुख है। फिर तो नन्हे खरगोश ने लगाई दौड़ और चल पड़ा वापस अपने घर की ओर। फिर नन्हा खरगोश का बच्चा उछल उछल कर दौड़ चला, वापस घर को भाग चला, वो शहर घूम कर भाग चला। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।